उत्तराखंड के ग्राम बिरदा बोड़ी में आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं लगा हैंडपंप। झीरिया पर निर्भर है भारिया परिवार, जो कि लगभग 40 घर हैं और जिनकी जनसंख्या 200 है। ग्रामीणों का कहना है, हमारे जिले के पूर्व सांसद कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल है, तो आप इतने सालों से यहां आदिवासी वोट बैंक से सांसद भी बनी और जिले ने 7 विधानसभा आपको दी, आपने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया। पलायन कहें या बेरोजगारी, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के ही जिले में है। यहाँ सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, यहाँ लोग नाले झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। आखिर कब नसीब होगा भारिया जनजाति परिवार को साफ पीने का पानी, फिलहाल कहना मुश्किल है। जी मेरा नाम सोनी भारती है। कहाँ रहती हो? बिरदा में रहती हूँ सर। तो क्या दिक्कत है आपके यहाँ? पानी की समस्या है सर। अभी कहाँ का पानी पी रहे हैं? झीरा का पीते हैं सर, खुद खोद के, और क्या करें, मजबूरी है तो इसलिए बारी बारी से भरना पड़ता है। एक बार एक मकान वाले ले जा लेते हैं, एक बार एक मकान वाले ले जा लेते हैं, इसलिए इसी की समस्या है। पानी कैसा है वहाँ का? गंदा है सर, क्या करें, मजबूरी में पीना पड़ रहा है और खाने के लिए भी करना पड़ता है। सर जी मेरा नाम रज्जू है। सर जी यहाँ पे आप कहाँ रहते हो? सर जी बिरदागुड़ी पे रहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी की बहुत मतलब तकलीफ जा रही है सर जी। सर जी यहाँ पे मतलब झिरिया वहाँ पे छना छना कर लेके जाते हैं हम लोग वहाँ। क्या हेडपम्प? जी सर हेडपम्प कोई चीज नहीं है सर जी यहाँ पे हमारे यहाँ पे। सर जी सहायक सचिव को बहुत आवेदन दे चुके सर जी, लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं सर जी यहाँ पे। मंगल सिंह भारती। आपके यहाँ कितने गाँव की बस्ती है? लगभग 40 घर की है सर बस। कहाँ रहते हो आप? बिरदा रहते हैं सर। तो अभी आपको क्या दिक्कत है? तकलीफ कछु नहीं सर, पानी के परिवर्तन बहुत कछु जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ तो बहुत ही कछु तकलीफ है यहाँ पे। आने झिरिया का पानी छान छान के लोग पी सकते हैं। पी रहे हैं अभी? हाँ पी रहे हैं जी। तो ये सब परिवर्तन है यहाँ पे, तो बहुत से कछु हैं, मानो हम इसके आगे सवाल नहीं दे सकते। तामिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।